हेलो गाइस, हाउ आर यू। माय नेम नितेश एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नितेश फिजिक्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर से डिस्कस करने वाला हूँ BHUMSA जियो फिजिक्स का सोल्यूशन, जो कि ईयर 2017 का है। ये पार्ट टू है। मैंने पार्ट वन में ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है प्रॉब्लम 61 to 90। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर क्वेरी लिया हुआ था कि कौन सी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, तो मैक्सिमम स्टूडेंट ने बोला है कि सर जियो फिजिक्स के जो वीडियोज़ हैं वो कम आते हैं, तो इसलिए मैं फिर से बैक टू बैक ये जो सेकेंड वीडियो है वो जियो फिजिक्स का ही आ रहा है। ठीक है, इसमें मैं 30 क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और इस तरीके से ये 2017 का जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, वो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को एक बार विजिट कर ले, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और गाइज, अगर आपको कोई भी सोल्यूशन यहाँ पर रॉन्ग लगता है या ऑप्शन आपको नहीं मैच करते, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सही कर सकूँ। तो बिना किसी देरी के फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रॉब्लम कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर फॉर इट्स बोथ सर्फेस। इफ द लेंस इज डीप इन वाटर, उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 4/3, देन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस विल बी। देखिए, फोकस लेंथ जो होगा, हमें लेंस मेकर फार्मूला पता है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू लेंस मेकर फार्मूला जो होता है आपका, वो होता है 1/f इज इक्वल टू, दो यहाँ पे दो दिए हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हो जाएगा N2/N1 -1, 1/R1 -1/R2। ठीक है, याद रख के रहिएगा, बोथ सरफेस के लिए आर दिया हुआ है, यहाँ पे फिक्स है, और एन वन एन टू की वैल्यू दी हुई है। याद रख के रहिएगा, इस केस में क्या होगा कि आर वन जो होगा आपको पॉजिटिव होगा, जो कि प्लस आर होगा, और आर टू जो होगा आपका नेगेटिव होगा, जो कि माइनस आर होगा। जियो फिजिक्स में क्या है कि जो मैं देख रहा हूँ कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन जो है क्लास ट्वेल्थ के आ रहे हैं, तो आपको क्लास ट्वेल्थ बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे जो फोकस लेंथ, फोकल लेंथ जो होती है यहाँ पे, वो होती है नेगेटिव। ठीक है, ये सारी चीज़ आप याद रख लीजिएगा। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1/-f इज इक्वल टू, ये देखिए, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 1.33 -1 1/r -1/r, राइट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर सॉल्व कर लेंगे आप, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, ओके, आर दिया हुआ है, तो आप सॉल्व करके देखिए, तो इसमें जो एफ़ की वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी, एफ़ की वैल्यू 4R। जो ऑप्शन वन होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा और ऑप्शन वन को आप राइट ऑप्शन पिक कर लीजिए। चलिए, एक कन्वर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर इज केप्ड इन कॉन्टेक्ट विद ए डाइवर्जेंट लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए, पावर क्या होता है आपका, 1/f होता है, यही होता है 1/1 फोकल लेंथ, और उसकी जो यूनिट होती है वो डायोप्टर होती है, ये बताया गया होगा। एफ को जनरली हम सेंटीमीटर में ही रखते हैं, अगर मीटर में दिया रहता है तो। ये चीज़ें देख लीजिएगा, क्या दिया है, ये दो फोकल लेंथ दिया हुआ है, पावर ऑफ कम्बिनेशन पूछा, तो पी क्या हो जाएगा, पी इक्वल टू हो जाएगा P1 + P2 इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2, राइट। ये देखिए, इसको दिया 40 सेंटीमीटर है, कन्वर्जेंट है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फोकल लेंथ, ये हो जाएगा 1/0.4, मीटर में चेंज के लिए 40 सेंटीमीटर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप 40 लिख लीजिए, प्लस 1/ ये कितना हो जाएगा आपका, ये 40 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, प्लस 1/25, राइट। ये देख लीजिए, तो आपका 40 + 25 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये आएगा अराउंड आपका 1. ये देखिए, 25 जो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्या दिया हुआ आपका, डाइवर्जेंट लेंथ दिया है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ओके, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, इसको एक्चुअली कर लीजिए आप 0.45 कर लीजिए, -0.25 कर लीजिए, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लीजिए, ये आएगा अराउंड -1.5 d, मतलब 1.5 डायोप्टर आएगा विथ नेगेटिव साइन, जो कॉम्बिनेशन का होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा आपका क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द एरिया ऑफ द फ्रेजनल हाफ पीरियड जोन, यहाँ पे याद रखे रहिए, हाफ पीरियड जोन में जो एरिया होती है डिफ्रेक्शन में ड्यू टू स्ट्रेट इज, वो आती है पाई बी लेमडा की इक्वल, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्शन सी है आपका पाई बी लेमडा, वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, पाई बी लेमडा, ये याद रखे रहिएगा, ठीक है, ये ऑप्शन सी आपका राइट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सपोर्ट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए, पोलराइजेशन जो होता है वो क्या करता है, सपोर्ट करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका रीजन मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होती है, लाइट होती है, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं वो ऑसिलेट करते हैं डिफरेंट प्लेन में, ओके, इसलिए क्या होता है, पोलराइजेशन जो होता है वो क्या देता है आपका, ट्रांसवर्स नेचर देता है, याद रख रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन रिंग का, न्यूटन रिंग का डायमीटर दिया 4th और 12th डार्क रिंग के लिए इतना,
देखते रहिए 0.4 एंड 0.7 सेंटीमीटर, और डायमीटर पूछा 12th 20th डार्क रिंग के लिए। ओके तो गिवन क्या क्या है, गिवन डेट में हम देख लेते हैं, गिवन डेट लिख लेते हैं। गिवन डेट में आपका D4 इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर और D12 डार्क रिंग का आपका दिया है 0.7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है, D20 पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमें इन जनरल जो फार्मूला पता है dn प्लस पी का होल स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर ओके इज इक्वल टू 4p लैम्डा आर बाई म्यू, इतना पता है हमें। अब देखिए एयर फिल्म के लिए क्या रख के रहेंगे, म्यू की वैल्यू 1 रख दीजिए तो ये 4p लैम्डा आर हो जाएगा। ओके अब निकाल दीजिए, यहाँ पे रखिए D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 × 8 लैम्डा आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। सिमिलरली इसको क्या कर लीजिए, D20 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 4 × 16 × लैम्डा आर। ओके इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ओके नेक्स्ट स्टेप में क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए इन दोनों को। तो जब आप डिवाइड करेंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ आप समझ जाएगा, जब इसको आप डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन को, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, 2D12 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू D20 का होल स्क्वायर माइनस D4 का होल स्क्वायर। सारी की वैल्यू दी हुई है आपको, 20 निकालना है, सारा का वैल्यू आपको पता है। तो D20 की वैल्यू आप जब पुट करके निकालेंगे तो ये आएगी अराउंड 0.906 सेंटीमीटर के अराउंड। तो जो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए। कैलकुलेशन क्या है, मैं सिंपल सा फार्मूला बता दे रहा हूँ आपको, सिंपल सा पुट करके बस कैलकुलेट कर लेना है। अगर आपको आंसर रॉन्ग मिलता है तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको फिर से ट्राई करूँगा सही करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, ये एक कॉम्बिनेशन दिया है, उसको हमें रिजल्टेंट कंबाइंड रेजिस्टेंस निकालना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे अगर हम इसको पॉइंट ए मान लें, इसको बी मान लें, हो सकता है कि आने वाले समय में आपके लिए, अभी तो यहाँ पूछा है, हो सकता है आपके समय में 20 में एक ए यहाँ दे दे, एक बी यहाँ दे दे। तो ये बेसिक सा है सर्किट में आपको ब्रेक करना आना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहाँ से सर्किट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल का पार्ट ये नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये 8 of 4 क्या हो जाएंगे, कंबाइंड करके सीरीज में हो जाएंगे, ये 2 और 6 कंबाइन करके सीरीज में होंगे, और बाकी का सारा कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, पैरेलल में हो जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट सर्किट बनेगा मैं बना के दिखाता हूँ आपको, ये हो जाएगा ऊपर 3 ओम, ठीक है। ये 8 और ये 4 मिलकर कितना बना देंगे, 12 ओम, देखते रहिए, ठीक है। ये 2 और ये 6 मिलकर बना कितना बना देंगे, 8 ओम, ये भी देखते रहिए। और ये 6 ओम पहले का नीचे का दिया हुआ है। ये सारे के सारे किस में आ गए, अब ये ए हो जाएगा आपका, ये बी हो जाएगा, सारे के सारे किस में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो पैरेलल में आपको पता है 1/r इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/6। तो ये 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें 24 क्या ले लीजिए आप, एलसीएम ले लीजिए, आई थिंक 24 ही आएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 + 2 + 3 + 4, तो कितना हो जाएगा 4 × 3 = 7 × 2 = 9 = 17 = 17/24। तो R की वैल्यू होगी 24/17 ओम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन सी क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, जिसको आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मैग्नेटिक फील्ड DB ड्यू टू स्मॉल करेंट एलिमेंट DL विच इज कैरिंग करेंट I एट द डिस्टेंस R इज गिवन बाई, देखिए ये बायोट सेवर्ट ला का है क्वेश्चन, ये क्लास 12th में बताया जाता है कि अगर इनफाइनाइट अगर कोई वायर है, इसका कोई क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं, इसका DL है, ठीक है। ये इसके R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, तो वहाँ पे अगर मान लीजिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है और ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होती है स्मॉल एलिमेंट के लिए वो होती है DB की वैल्यू होती है, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आती है μ0 / 4πI dl × r / r³, जो कि हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, ऑप्शन μ0 / 4πI dl × r³, जो केवल और केवल हमें ऑप्शन सेकंड में दिख रहा है। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसको टिक कर लीजिए आप। इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2 point charge Q1 - 2Q are placed at some distance apart of the electric field at the location of Q is E, then electric field at the लोकेशन ऑफ -2Q विल बी। यहाँ पे देखिए दो चार्ज दिए हैं, एक क्यू है आपका, एक -2Q है, दोनों सम डिस्टेंस अपार्ट रखे हैं, सपोज कर लीजिए आर है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E = kq/r² होता है, जहाँ पे k एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0, ठीक है। और इसकी वैल्यू याद रखे रही आप आती है 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। सिमिलरली एप्सिलॉन का परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू आती है 8.85×10⁻½ कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ई की वैल्यू kq/r² 1 मान लीजिए, ई डैश की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई डैश की वैल्यू k − 2q/r², इसको 2 मान लीजिए। हमें e' / e निकालना है, ये कितना बचेगा, e' / e आप करेंगे तो -2/1, दैट मीन्स e' की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 times of e आ जाएगी। तो ऑप्शन 1
ए जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको आप टिक कर लें। बाय मिस्टेक ए वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड एन एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, व्हाट विल हैपन टू द वोल्ट मीटर एंड एमीटर। ओके, ये भी टिक प्रॉब्लम पूछा हुआ है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन दिए हुए हैं कि वोल्ट मीटर विल बी डैमेज, एमीटर विल बी डैमेज, बोथ विल बी डैमेज, नन ऑफ दीज विल बी डैमेज। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नन ऑफ द दीज विल बी डैमेज। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। तो रीजन क्या होगा, रीजन देखिए मैं बोल देता हूँ, इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर के पास ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है, उसके पास हाई रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम उसको सीरीज में कनेक्ट कर दें, ओके, तो करंट क्या होगी, करंट पास नहीं करेगी सर्किट से। ओके, इफ़ वी कनेक्ट अ मीटर इन पैरेलल बिकॉज ऑफ द शंट, वेरी लिटिल करंट वुड हैव पास थ्रू ए मीटर इन सीरीज। ठीक है, व्हेन इट इज इन पैरेलल मोस्ट ऑफ द करंट विल पास थ्रू द शंट, ऑन दिस टू पास लेस करंट बोथ विल नॉट डैमेज, क्योंकि बहुत ही कम करंट पास हो रही है तो दोनों के दोनों डैमेज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसका रीजन ये है कि अगर डैमेज नहीं होते हैं तो ये याद रखे रहिएगा, ये डैमेज तो नहीं होंगे, ये तो करेक्ट है, लेकिन दोनों के दोनों जो हैं वो करेक्ट रीडिंग भी नहीं देंगे, करेक्ट रीडिंग रीडिंग नहीं देंगे, डिड नॉट गिव नॉट गिव गिव करेक्ट रीडिंग। तो ये भी याद रखे रहेगा, डैमेज तो नहीं होंगे लेकिन दोनों के दोनों करेक्ट रीडिंग भी नहीं देंगे, तो ये आपको याद रखे रहना। ओके, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द डेंसिटी ऑफ आइदर कैरियर इज प्रोपोर्शनल टू। डेंसिटी क्या होती है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, इसका तो मैं राइट ऑप्शन आपको बता दूंगा, लेकिन याद रखिए निकालते कैसे हैं। देखिए ये होता है एन नॉट पी नॉट इक्वल टू है ना, इस पर ये इंट्रिंसिक के लिए होता है, एन टाइप या पी टाइप के लिए है डेंसिटी, इसकी वैल्यू होती है एन सी एन बी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई KT। तो यहाँ से आपको लग रहा हो कि माइनस ई जी बाई के टी आनी चाहिए, जबकि आप रॉन्ग है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा इंट्रिंसिक के लिए एन आई स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या पूछा है यहाँ पे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछा है। ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, तो एन आई स्क्वायर जो होगा यहाँ पे याद रख रहेगा ये होता है टू टाइम टू पाई एम एन स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर एन सी और एम बी के मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ टू पावर थ्री बाई टू। सिमिलरली ये कहता हूँ टू पाई एम पी स्टार के टी अपॉन एच स्क्वायर टू टी पावर थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई के टी एच डी आ जाएगा। ठीक है, ये मास आप इलेक्ट्रॉन है, ये मास आप होल है, याद रखे रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए तो टू और टू इसको बुला लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, फोर हो जाएगा, ये भी टू हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये टू और टू फोर हो जाएगा, तो ये फोर टाइम टू पाई के टी अपॉन एच स्क्वायर के पावर थ्री बाई टू और ये कितना हो जाएगा एम एन स्टार एम पी स्टार टू पावर थ्री बाई टू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई के टी। ठीक है, तो यहाँ से अगर एन आई की वैल्यू निकाले तो ये एन आई स्क्वायर चल रहा था, एन आई की वैल्यू आप निकालें तो ये हो जाएगा टू, ये क्या बचेगा टू पाई के टी बाई एच स्क्वायर के होल टू डी पावर ये सॉरी ये थ्री और थ्री क्या होता है ये क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा थ्री बाई टू, ये देख लीजिए थ्री बाई टू, थ्री बाई टू मिलकर क्यूब कर देता है और थ्री बाई टू आएगा और ये कितना हो जाएगा एम एन स्टार एम पी स्टार ठीक है टू डी पावर थ्री बाई फोर इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई टू के टी। तो यहाँ से जो एन आई की वैल्यू आएगी याद रख रहेगा ये टी टू पावर आ जाएगी प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर थ्री बाई टू, क्योंकि यही पूछा हुआ है इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई टू के टी। तो यहाँ से आती है, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो ऑप्शन थ्री है आपका ऑप्शन थर्ड है वो क्या होगा राइट ऑप्शन हो जाएगा टी टू पावर थ्री बाई टू इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस ई जी बाई टू के टी। ठीक है, चलिए द नी वोल्टेज या कट इन वोल्टेज ऑफ ए सेमी कंडक्टर डायोड इज नियरली। देखिए ये तो बेसिक क्वेश्चन है क्लास ट्वेल्थ का, सिलिकॉन के लिए कितना होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.2 से 0.3 वोल्ट के अराउंड होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन एंड 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम, तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन अ जेनर डायोड व्हेन इट इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। देखिए ये तो ठीक है, हमेशा पूछ देता है कि जेनर कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह किसको यूज करते हैं, तो याद आंसर आप देंगे यहाँ पे जेनर डायोड। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर पावर सप्लाई, तो वहाँ पे आंसर आता है डिफरेंट डिफरेंट डायोड देंगे तो आप जेनर डायोड को वहाँ पे टिक करेंगे। यहाँ पे कह रहा है द करंट फ्लो इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ, जब जेनर डायोड कांस्टेंट वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज होता है तो उसमें जो करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की तरफ फ्लो करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन वन है आपका माइनॉरिटी कैरियर वो क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रिडबर्ग कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना दिया हुआ है 1.097 × 10⁻³ पर एंगस्ट्रॉम द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सीरीज आती हैं जब हाइड्रोजन एटम हम लोग देखते हैं, तो सीरीज क्या शुरू होती है लाइमन बामर पास्चन
ब्रैकेट फुन, ठीक है। इस तरह की सीरीज शुरू होती है, तो हमेशा याद रखे रहिएगा ये सीरीज पूछा जाता है। अभी तो लाइमन पूछा है तो NH=1 के लिए पूछ दिया हुआ है, बामर रहता है यहाँ पर टू शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये ट्रांजिशन जब होता है तो ये चीज़ें आप याद रखे रहेंगे। इन जनरल फार्मूला जो आता है हाइड्रोजन एनर्जी में, जनरल एनर्जी निकालने का NH स्टेट के लिए, वो आता है En=-13.65 NH/eV। ये भी आप याद रखे रहिए, ये भी पूछ देता है किस रेंज में। जैसे बामर की हम बात करें तो बामर कहाँ आती है, विजिबल रेंज में आती है। इस तरह की चीज़ें पूछती रह जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आप याद रखे रहिए। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो लाइमन सीरीज में हमें मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है, लिमिट। तो ये देखिए फॉर्मूला क्या होता है, 1 λ = R 1 NI² इनिशियल माइनस 1 NF², ठीक है। आर की वैल्यू दी हुई है आपकी, आर की वैल्यू छोड़िए, अभी आर की वैल्यू मत रखिए, आर की वैल्यू फाइनल रखते हैं। ये हो जाएगा 1 NI की वैल्यू 1 रख दीजिए 1, और इसकी वैल्यू 2 रख दीजिए तो ये हो जाएगा 4। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 4/3 R, पुट कर दीजिए, ठीक है। आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको अराउंड देगा, जब आप आर की वैल्यू पुट करके देख लीजिए तो ये आएगा 12। ये आता है, मैंने कैलकुलेट किया तो 1 to 1.56 एंगस्ट्रॉम, जो कि ऑप्शन बी आपको दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको टिक कर लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर, ठीक है। जो टोटल एनर्जी आती है आपको पता होगा, नीचे आता है मार्स में m e^4/8 आता है। तो देखिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि दोनों में 4 है। ये भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि माइनस में एनर्जी आती है, और ये वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रमन इफेक्ट इज ड्यू टू, रमन इफेक्ट ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि कई सारे वीडियो में जो रमन इफेक्ट होता है वो ड्यू टू इनइलास्टिक स्कैटरिंग्स की वजह से होता है। तो ऑप्शन डी जो यहाँ पे हो जाएगा वो क्या होगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, इनइलास्टिक स्कैटरिंग। तो इसको आप टिक कर लीजिए कि रमन इफेक्ट इज ड्यू टू इनइलास्टिक स्कैटरिंग, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फॉर कॉम्प्टन स्कैटरिंग एट 90 डिग्री द इफेक्टिव ड्रिफ्ट इन वेवलेंथ। देखिए कॉम्प्टन इफेक्ट का मैंने जनरल फॉर्मूला बताया था कि लैम्डा डेस माइनस लैम्डा, जो कि कॉम्प्टन वेवलेंथ के इक्वल होता है, उसकी वैल्यू होती है H/mC(1 cos φ). यहाँ पे फाइव की वैल्यू कितनी दी हुई है, 90 डिग्री दी हुई है। तो पुट कर दीजिए तो कॉस 90 वैल्यू थी 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, H/mC। ये आपको H/mC की वैल्यू भी याद रखनी चाहिए, ये आती है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। नहीं याद है तो H की वैल्यू रख दीजिए 6.6 × 10⁻³⁴ जूल सेकेंड, ये भी याद रखे रहिए। M0 की वैल्यू रख दीजिए 9.1, M0 हो गया, ये H हो गया। M0 की वैल्यू रख दीजिए 9.1 × 10⁻³⁰ kg, और C तो पता ही आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसको करके देख लेंगे तो आपको 0.0242 एंगस्ट्रॉम आंसर हो जाएगा, वो मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ द एट रूम टेम्परेचर जर्मेनियम हैज इंट्रिंजिक कैरियर कंसंट्रेशन, इसमें दोनों सेम दिया हुआ है, इंट्रिंजिक केस है। व्हेन इट डोप विद एंटिमनी, ठीक है, द होल डेंसिटी पी इज इंक्रीज टू 10^11 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर क्यूब द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर डेंसिटी। देखिए होल कंसंट्रेशन को बढ़ाया गया, मतलब पी टाइप डोपिंग है। तो हम कैसे निकालते हैं, हमें पता है अगर हम याद, अभी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, तो NI² किसके इक्वल होता है, Ne·NP के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी है वहाँ पे हमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की वैल्यू Ne की वैल्यू पूछी है, तो Ni² / Np हो जाएगा आपका। Ni कितना दिया, 10^13, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 10^26। ये कितना दिया, 10^11, ये डिवाइड कर दिया तो ये अराउंड आ जाएगा 10^15 पर सेंटीमीटर क्यूब। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, इसको टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए गैस इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 N/m², ये याद रखे रहिए। गैस को कंप्रेस किया गया है कांस्टेंट प्रेशर पे, विद अ चेंज ऑफ वॉल्यूम एज 6 m³, देन 100 J ऑफ एनर्जी इज एडेड टू द गैस। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें पूछा है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, लगा दीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ = dU क्या हो जाएगा, dU + dW हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, dU dW को आप लिख सकते हैं P∆V, ठीक है। तो दिया कितना, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई, 100 J एनर्जी को ऐड किया गया है, ठीक है। ये dU पूछा गया है, P∆V 15। देखिए यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है तो जो वॉल्यूम लेंगे हम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम वो नेगेटिव मिलेंगे। ये कितना हो जाएगा, 50 - 6 डेट इज -300। तो dU की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 + 400 J। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए रिवर्सिबल हीट इंजन कन्वर्ट्स 1/6 हीट विच इट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स इनटू यूजफुल वर्क व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 °C द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज डबल्ड। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एफिशिएंसी इंजन की क्या हो जा रही है, डबल्ड हो जा रही है, ये चीज़ ध्यान देना आपको। द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स, देखिए इनिशियल हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो NI क्या हो जाएगा आपका, 1 - T₂/T₁, जो किसके इक्वल होता है, वर्क डन अपॉन टोटल हीट एब्जॉर्ब, तो कितना दिया, 1/6 दिया है।
इसको 1/6 कर लीजिए, इक्वेशन 1 मान लीजिए। फाइनल क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 1 - T2 - T1। ठीक है, हमें रिड्यूस करना है 62 डिग्री सेंटीग्रेड को, तो ये कितना हो जाएगा 1 - T2 - 62/T1। ये रिड्यूस हो गया आपका, जब ये रिड्यूस हो जाएगा इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा जी, और ये क्या हो जाएगा 1 - T2 - T1 + 62/T1। तो 1 - T2 - T1 को आप क्या लिख सकते हैं, ईटा इनिशियल लिख सकते हैं जो कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको, प्लस 62 - T1 लिख दीजिए। ओके, ये इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। और अभी हमें पता चला है कि जो फाइनल एफिशिएंसी वो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल एफिशिएंसी है, तो NF की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 2NI रख सकते हो, तो यहाँ पर रख दीजिए 2NI = NI + 62/T1। ठीक है, ये याद रखे रहिए, NF की वैल्यू जगह आप 2NI रख देंगे, ठीक है, तो 62/T1 आ जाएगा। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, और T1 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो उसके बाद आपको एफिशिएंसी की वैल्यू यहाँ पर रख देनी है 1/6, यहाँ पे देख लीजिए, तो ये हो जाएगी NI = 62/T1। NI की वैल्यू रखिए 1/6, और यहाँ से T1 की वैल्यू निकालिए, ठीक है, तो आपको अराउंड आ जाएगी 372 केल्विन। देखिए 1/6 यहाँ पे करके देख लीजिए, तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 × 62, जो कि आएगी अराउंड 372 केल्विन। तो 372 केल्विन विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवलिंग अलॉन्ग जेड एक्सिस इज गिवन बाय समथिंग, देन द मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने, मुझे लग रहा है कि कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि मेरे कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे क्वेश्चन में। लगाने का तरीका मैं बता देता हूँ, कि मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से क्या होता है कि ∇×E = -∂B/∂t देता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप सिंपली इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, कर्व निकाल लें, तो IJ K हो जाएगा ये ∂x ∂y ∂y एंड ∂z, और E का कॉम्पोनेंट जो दिया है यहाँ पे आप रख दें, ठीक है, इसको कर दें -∂B/∂t के इक्वल, इसके बाद इसको इधर भेज दें और इंटीग्रेट कर दें, तो बी की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो अनफॉर्चुनेटली कि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा है, अगर आपका आंसर पता होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई 10%, ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज बाई, देखिए इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 10%, और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट पूछा गया हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल एनर्जी हम क्या मान लेते हैं, KI को K मान लेते हैं, ठीक है, KF को मान लेते हैं K-, ठीक है, अब हमें क्या पूछा, एंगुलर वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, इस समय ओमेगा मान लीजिए और इस केस में ओमेगा- मान लीजिए, राइट, तो कितना इंक्रीज किया जा रहा है, 10% किया जा रहा है, तो ओमेगा- की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 + 10% ऑफ ओमेगा, राइट, ये कितना हो जाएगा, 1.1 ओमेगा हो जाएगा, क्लियर है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी 1/2 रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और K- की वैल्यू हो जाएगी 1/2 आई ओमेगा-स्क्वायर, ठीक है, तो ओमेगा- की वैल्यू पुट कर दीजिए आप, तो 1/2 I ओमेगा- को लिख सकते हैं आप 1.1 ओमेगा² इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.21 × 1/2 I ओमेगा², ठीक है, इसको लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K, राइट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K इसको लिखा जा सकता है। ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका अगर हम देखें दिया जाएगी 1.21 K, इसको अगर हम परसेंटेज में चेंज कर दें या चेंज काइनेटिक एनर्जी का, तो अप्रॉक्स 21% क्या हो जाएगी, एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1.1.12 की तरफ। टू बॉडीज आर प्लेस्ड इन एन इवैक्यूएटेड वेसल मेंटेन्ड इन टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, द टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड दैट ऑफ द सेकंड बॉडी इज 227 डिग्री सेंटीग्रेड, द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव हीट लॉसेज फ्रॉम टू बॉडीज इज अबाउट। देखिए अब हमें क्या करना है कि इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो इनिशियल आपको हो जाएगा 20, इसको सबको केल्विन में चेंज कीजिए, तो 27 + 273 300 केल्विन हो गया, ये कितना दिया हुआ है 327, तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 327 + 273, ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 600 केल्विन, ठीक है। सिमिलरली T2 कितना हो जाएगा, ये दिया 227, ये रख लीजिए 227 + 273, ये हो जाएगा आपका 500 केल्विन, ठीक है। तो हमें क्या निकाल, एनर्जी निकाल लीजिए ए की, तो ये हो जाएगी आपकी सिग्मा T1 स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से निकाल ली, सॉरी स्टीफन लॉ से निकाल लीजिए, T1 - T0, ठीक है। सिमिलरली ई बी की क्या हो जाएगी, सिग्मा T2 - T0, ओके, दोनों का रेशियो निकालिए, EA / EB निकाल लीजिए, ठीक है, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 - T0 / T2 - T0 / T4, ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो जाएगा 600 * 4 - 300 * 4 / 500
500 टू पावर 4 माइनस 300 टू पावर 4, ठीक है, तो ये अराउंड आएगा 1 to 15 अपॉन 544, जो कि 2 पॉइंट समथिंग देगा, 2 पॉइंट एक्स मान लीजिए, एक्स कुछ भी हो सकता है। तो अराउंड जो आपका रेशियो आएगा वो क्या आएगा, 2:1 का रेशियो आएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन होगा। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसको इस तरीके से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसको तो मैं 100 times डिस्कस कर चुका, 100 times तो नहीं, कम से कम 5 to 10 times डिस्कस कर चुका हूँ, कि थ्रोटलिंग प्रोसेस में बार बार पूछा जा रहा है कि द पोलर फ्लक्स विच ऑफ द फॉर्मिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल रिमेंस कॉन्स्टेंट। ये हमेशा जानते रहे, इस केस में क्या होता है, एंथैल्पी क्या होती है आपकी, कॉन्स्टेंट रहती है। तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस बाई एक्सरे ट्यूब ऑपरेटेड एट 50 kV, ये याद रखिएगा, किलो वोल्ट दिया है, विल बी। तो देखिए लैम्डा मीन की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी एच सी बाई ई बी, ओके। यहाँ से आप एच की वैल्यू रख दीजिए 6.6 × 10⁻³, सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 × 10⁸, ई की वैल्यू रख दीजिए 1.6 × 10⁻¹⁹, और वी की वैल्यू 50 kV, मतलब 50 × 10⁻³ वोल्ट, ओके। इसको कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए, तो ये अराउंड आएगा, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा वो 9.8/8 × 10⁻¹⁰, जो कि आ जाएगा आपका 2.48 × 10⁻¹⁰ मीटर, जो आएगा 0.248 angstrom। ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर, 0.248, हाँ ठीक है, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, ठीक है, 0.248 angstrom विल बी द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। इन रूबी लेजर द पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड बाय, देखिए रूबी लेजर में जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है, ठीक है, उसमें उसको ड्यू टू हेलिकल ज़ेनॉन डिस्चार्ज ट्यूब से अचीव कराया जाता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। अब पंपिंग क्या होती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या होता है, यह सब आप जरूर पढ़ लें कि कैसे मेटा स्टेबल स्टेट में जो नंबर ऑफ चार्ज हैं उसको बढ़ाया जाता है, कैसे चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें आप पंपिंग और ये सारी चीज़ें आप पता कर लीजिए, पढ़ लीजिए, बेसिक चीज़ें हैं वो भी पूछी जा सकती हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 gram ऑफ वाटर एट 0° C इज हीटेड ट्रांसफॉर्म टू 10 gram स्टीम ऑफ 100° C। इफ द लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज 100° C इज समथिंग, देन द चेंज इन एंट्रोपी इन द इंटायर प्रोसेस। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें करना क्या है, 0° C से वाटर कितना गया है, 100° C तक गया है, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100° C हो जाएगी, याद रख के रहिएगा, ठीक है। और देखिए वर्क डन की अगर हम बात करें तो क्यू इक्वल टू क्या, अरे अमाउंट ऑफ हीट कितना एब्जॉर्व होगा, तो कैलोरीमेट्रिक फंक्शन का ये हो जाएगा एम एस डेल्टा टी, कहाँ से कहाँ तक, 0° C वाटर को 100° C वाटर में पहुँचने में। इसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में लैटेंट हीट लगेगी, तो हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो एम इंटू एल से वो हीट को क्या कर दीजिए आप, ऐड कर दीजिए, ओके। तो टोटल हीट निकल जाएगी आपको, तो डी क्यू क्या होता है, डी क्यू होता है टी डी एस से, तो एंट्रोपी पूछा है, तो डी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई टी हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे टी 100° C, इसको रख लीजिए, तो टोटल आप हीट निकाल के टेम्परेचर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये अराउंड आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन सी आना चाहिए, 17.54 कैलोरी पर डिग्री केल्विन। याद रखिए रहिएगा, यहाँ पे कैलोरी पर ग्राम में दी हुई है, तो आप जो भी चीज़ें यूज करेंगे तो कैलोरी पर ग्राम में यूज करिए, या कैलोरी को जूल में चेंज कर रहे हैं तो जूल में यूज कीजिएगा, तो इस तरीके से आई थिंक कैलोरी आपको ही यूज करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ द इमिसिव पावर टू द एब्जॉर्बिव पावर फॉर रेडिएशन ऑफ ए गिवन वेवलेंथ इज द सेम फॉर ऑल बॉडीज एट द सेम टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज नोन, ये क्या है, किरचॉफ लॉ है, याद रखे रहिए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ए मेटल सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड बाई द लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ, लैम्डा 1 इक्वल टू 248 nm एंड लैम्डा 2 इक्वल टू 310 nm। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू दीज वेवलेंथ आर U1 एंड U2। द रेशियो ऑफ U1 इज टू U2 इक्वल टू 2:1 एंड म्यूसी नहीं है, ये HC है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो 1240 eV दिया हुआ है। तो देखिए क्या पूछा है हमें, वर्क फंक्शन पूछा हुआ है, तो वर्क फंक्शन देखिए कभी भी किसी मेटल का चेंज नहीं होता, तो उसको फाइंड आउट हम ट्रीट कर लेते हैं। आपको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर कोई फोटोन गिरता है H nu एनर्जी का, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो नॉकआउट करता है, तो सबसे पहले जो एनर्जी होती है इसके वर्क फंक्शन में जितना होता है उसको उसमें लॉस होती है, और जो भी एनर्जी मिलती है, रेस्ट एनर्जी बची होती है, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो ये एनर्जी कंजर्वेशन से अगर हम लगाएं तो H nu की वैल्यू फाइंड आउट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है, जो कि होगा अगर वेलोसिटी मूव करेगा तो 1/2 mv² हो जाएगी। तो पहले केस में U1 दिया, दूसरे केस में U2 दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, पहला केस H nu को C/λ कर दिए, तो फर्स्ट इक्वेशन बनेगा SC/λ1 = φ0 + 1/2 mv² राइट, ये को 1 कर लीजिए। सिमिलरली दूसरा बनेगा SC/λ2 = φ0 + 1/2 mv² इसको दूसरा कर लीजिए, राइट। दोनों को क्या कर दीजिए, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कर दीजिए, ओके। डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी HC/λ1 - φ0 / SC/λ2
माइनस पाई नॉट इज इक्वल टू यू वन स्क्वायर बाई यू टू स्क्वायर। ठीक है, ये रेशियो दिया हुआ पुट कर सकते हैं। एस सी बाई लेमडा वन निकाले, एस सी की वैल्यू 2140 दी हुई है, लेमडा वन की वैल्यू आपके 248, तो एस सी बाई लेमडा वन की वैल्यू आएगी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सिमिलरली ये एस सी बाई लेमडा वन हो गया, सिमिलरली एस सी बाई लेमडा टू आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1240 अपान लेमडा टू 310, तो ये राउंड आ जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, यू वन यू टू की वैल्यू दी हुई है, फाइव नॉट की वैल्यू आप निकाल लीजिए, तो फाइव नॉट की जो वैल्यू आपको आएगी कैलकुलेट करके मैंने निकाला हुआ है वो 3.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड आएगी। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। आज के इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है, ए गैल्वेनोमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विथ समथिंग करेंट बाय कनेक्टिंग टू 499 ओम रेजिस्टेंस इन सीरीज, इट कैन बी कन्वर्टेड टू ए वोल्टमीटर ऑफ रेंज 0 to 30 वोल्ट इफ कनेक्टेड टू ए 2N/249 ओम रेजिस्टेंस इन पैरेलल एट टू बिकम्स एन एमिटर ऑफ रेंज समथिंग। ठीक है, द वैल्यू ऑफ एन, देखिए पहला केस क्या है, पहला केस में अगर हम ध्यान दें तो ये आपका एक रेजिस्टेंस है 499 ओम का। ठीक है, ये इसका एक रेजिस्टेंस है, इसमें करंट गैल्वेनोमीटर के करस्पॉन्डिंग करंट जो आई जी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं तो ये गैल्वेनोमीटर हो गया आपका। इसमें किरचॉफ लॉ लगा दीजिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बी है तो सिंपली आप लगा दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आई जी जी प्लस 4999। ठीक है, इज इक्वल टू बी। ठीक है, यहाँ आप कितना दिया, 0.006 एम्पियर दिया हुआ है, ये तो 6/1000 कर लीजिए आप, ये हो जाएगा आपका जी प्लस 499 ओम। ओके, और यहाँ पोटेंशियल जो दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो 0 to 30 वोल्ट, यहाँ पे 30 लिख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 30। ओके, इसको आप इक्वेशन, यहाँ से इक्वेशन मत मानिए, यहाँ से जी की वैल्यू निकाले तो जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगी अराउंड 5000 के, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, रफली मैं कर रहा हूँ। इसके बाद क्या किया जाए, इसको कनेक्ट किया जा रहा है इतने ओम रेजिस्टेंस से, तो इसका जो सर्किट बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, याद रख रही है, ये हो जाएगा आपका एक रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये मेरा पहले से था, यहाँ पे जी कनेक्टेड है। ओके, और यहाँ पे आपका 1.5 एम्पियर की करंट यहाँ पर फ्लो होना शुरू कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम किरचॉफ करंट लॉ लगा दें, सपोज कर लीजिए, ले लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 एम्पियर की करंट आ रही है। ओके, यहाँ पे करंट आई जी जा रही है। ओके, तो यहाँ पे कितनी जाएगी, 1.5 माइनस आई जी, याद रखे रहिएगा। और यहाँ पे जी की वैल्यू हो गई है 10 ओम, बी ए बी इक्वल टू हो जाएगा बी सी डी। ओके, बी ए बी जो हो जाएगा आपका बी सी डी हो जाएगा। फाइनली जब बी ए बी इक्वल टू बी सी डी हो जाएगा तो यहाँ पे आपको क्या लगाना है, केसीएल लगा देना है, किरचॉफ करंट लॉ लगा देना है। तो जब बी ए बी इक्वल टू बी सी डी हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, याद रखे रहिए, ये हो जाएगा आपका आई जी एस सॉरी आई जी जी इज इक्वल टू 1.5 माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर का है और ये गैल्वेनोमीटर का करंट है, इसका पता है कि ये हो जाएगा 6/1000, ये हो जाएगा इंटू 10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 6/1000 इंटू एस। ठीक है, यहाँ से एस की वैल्यू निकाल लीजिए आप, यहाँ से एस की वैल्यू आएगी आपकी 60/1494। ठीक है, और यही एस की वैल्यू कितनी दी है, 2N/249 दी है, तो इसको 2N/249 ओम के इक्वल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से जो एन की वैल्यू आप निकाल के एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो आ जाएगी 249 × 13/1494, जो कि अराउंड 5 के इक्वल आएगी। तो ऑप्शन डी विल बी द आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं पे खत्म होती है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें कि आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू सो मच।